रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई। नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा। नगर वासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की हनुमान उन्हीं के दूत थे, स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं। सर चले मरुत उनचास, अट्टहास कर गल जा कभी बढ़ी लाग आकाश। हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़खाई, जरई नगर भालोग बिहाला छपट लपट बहु कोटि कराला। जही सिर जा जरा न सोते ही कारण गिर जा, उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी परापुनि सिंधु मझारी। पूछ पुछाई कोई श्रम खुरूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भय कर जो जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लगाऊ। I'm not afraid।
दिवस महुना तुना आवा तापुनी मोही जियत नहीं पावा कहु कपि के ही जनक सुतहि समुझाय करी बहु विधि धीर जुदीन्ह चरण कमल सिरुनाय कपि गवनु राम बहिकीन्ह महाधुनि गर्ज सिभारी गर्भ स्रव ही सुनि निसिचर नारी नागी सिंधु एही पार ही आवा सबद किली किला कपिन सुनावा प्रसन्न तन तेज विराजा चिन्ह श्री राम चंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी कलपत मीन पाव जिमी बारी चले हर्ष रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा